मेहमान टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल। एयरपोर्ट पर पाक फौज के जवान भी तैनात रहे। मेहमान टीम के लिए अलग इमिग्रेशन काउंटर बनाया गया। होटल मुस्तकिल। सिलेक्शन टीम आज ट्रैवल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। सिक्योरिटी पाक फौज के सपोर्ट। मेहमान टीम कल प्रैक्टिस मैच खेलेगी। ट्रॉफी के नकाब मचाई भी कल ही होगी। दोनों कप्तान कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहला टेस्ट मैच 11 दिसंबर को शुरू होगा। स्पीड 9 से 16 दिसंबर तक मेट्रो बस सर्विस का शेड्यूल कम्प्लीट। निकलेगा या नहीं, लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त पर समाप्त आज होगी। जस्टिस अली बाके नजदीक सरबराही में दो रुकनी बेंच समाप्त करेगा। सबक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ की हालत बदल छूट खराब। सरेआम में रुकावट दूर करने वाली किसानों की परेशानियां मिलेगी। इलाज के लिए अमरीका दिखाया जा सकता है। सबक सदर अफसर जरदारी की तबीयत में बेहतरी न आ सकी। सुबोधा के करीब जंगपुर जिले फाजिल पर ट्रेन से जा टकराया। ट्रेन का सिस्टम ड्राइवर जामा हादसे के बाद स्टेशन पर ट्रेन रोक दिया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रेन सरगोधा से लाहौर जा रही थी। मंगी की रिहाई के लिए 20 लाख हजार के इशारे का इंतजाम। मुलजिमान ने 2 करोड़ का मुतालबा किया। दुआ मंगी और रिश्मा को एक ही गैंग ने अगवा किया। तफ्तीश जराये का कहना है दुआ मंगी को अगवाकारों ने कराची में ही रखा। आंखों पर बंदी, हाथों और पैरों में जिंदगी के डाल दी। पाकिस्तान समेत दुनिया में आज इंसदादे बदउनवानी का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद करप्शन की रोकथाम के लिए आगाही फराहम करना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंसदादे बदउनवानी ऐप का इफ्तिताह करेंगे।